दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फेसबुक पर आपके जो फॉलोवर्स या हम लोग फ्रेंड्स होते हैं वो 5000 यानी कि 5000 होने के बाद में क्यों रुक जाते हैं। तो इसी बात पर आप लोग हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग शुरू से एंड तक देखिए और आप उसके बाद में भी अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको अपनी प्रोफाइल पर आ जाना है, यानी कि ये लोगो दिखाई देता है उस पर क्लिक करेंगे एक बार। अब जैसे ही आप लोग इतना काम करोगे तो यहाँ पे जो थ्री डॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है कोने में, यहाँ पे आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देता है, जिसमें आपको नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है टर्न प्रोफेशनल मोड ऑफ, यानी कि मेरे में पहले से ही ऑन है तो यहाँ पे ये ऑफ करने को बोल रहा है। आप सभी के में ऐसा मतलब टर्न प्रोफेशनल मोड ऑन ऐसा कुछ लिख के आता है, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका जो भी मतलब प्रोफाइल होता है वो पेज मतलब प्रोफाइल पेज में बदल जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे व्यू एज का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप लोग क्लिक करके यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे आपका कुछ प्रोफाइल ऐसा दिखाई देगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक नाम है और यहाँ पे ये फॉलो का बटन दिखाई दे रहा है। अगर आपकी प्रोफाइल होगी तो यहाँ पे फ्रेंड्स का बटन दिखाई देता है। तो सिंपली आपको इतना काम कर लेना है पहले, उसके बाद में आपको क्या करना है कोई भी सेटिंग कुछ भी नहीं करना है आपको। आप डायरेक्ट यहाँ से बैक करोगे और देन इसके बाद यहाँ पे जो भी आपकी प्रोफाइल होती है उस पर दोबारा से क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे बहुत से बंदे बोलते हैं कि 5000 फॉलोवर होने के बाद मतलब फॉलोवर नहीं बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप लोग मेरे फॉलोवर्स से यहाँ पे देख सकते हो 6206 फॉलोवर्स हैं मेरे। फॉलोविंग की बात की जाए तो यहाँ पे 336 फॉलोविंग है, हालांकि ये कुछ मायने नहीं रखती है फिर भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। एंड इसके बाद आप लोग यहाँ पे फ्रेंड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो 5000 फ्रेंड्स हैं मेरे। और ये 5000 फ्रेंड्स होने के बाद अगर मैं इनको और इंक्रीज करना चाहूँ तो ये इंक्रीज नहीं होंगे, ये सही बात है। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पे फेसबुक का एक रूल है, जैसे कि यहाँ पे 5000 जैसे ही आपके फ्रेंड्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद आपका फ्रेंड्स एक भी कंफर्म नहीं होता है। तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपकी जो भी फॉलोवर्स या फ्रेंड्स होते हैं वो सब फॉलोवर में चेंज हो जाएंगे, उसके बाद में आपको फ्रेंड्स की ज़रूरत वो जो है नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको कोई भी बोलता है कि मतलब फॉलोवर 5000 के बाद नहीं बढ़ते हैं, तो ऐसा ये सब फेक है, ये सब झूठे मैं नहीं मानता। क्योंकि यहाँ पे आप लोग मेरे देख सकते हो 6206, अगर मैं इनको घटा दूंगा तो ये घट जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे प्रूफ दिखाता हूँ। जैसे कि मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अभी मेरे 6206 थे, अभी 6205 हो गए। अगर मैं कोई फ्रेंड्स बढ़ाऊँ तो क्या ये बढ़ेगा? देखो मैं आपको बताता हूँ एक मिनट, जैसे कि यहाँ पे कंफर्म के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे मैंने कंफर्म कर लिया, 5000 के बाद में कंफर्म नहीं होता है, ये मेरे को मालूम था, फिर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। और दोबारा से यहाँ पे जाएंगे अपनी प्रोफाइल पे और यहाँ पे देखते हैं मेरा कोई दोस्त बड़ा नहीं बड़ा है, क्योंकि ये फॉलोअर्स होते हैं वो फ्रेंड से बिल्कुल अलग होते हैं, और हमको यहाँ पे अगर अपनी प्रोफाइल को पेज में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसके बाद में फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पर हमारे जो भी फॉलोअर्स होते हैं उनकी हमको ज़्यादा आवश्यकता होती है और उन्हीं से हमारा काम चलता है। तो दोस्तों आपको जो भी मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा वो आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, आप लोग उनको बोल भी सकते हो किसी को, जैसे कि आपके फ्रेंड्स हुए या रिलेटिव हुए या कोई भी हुआ तो आप लोग उसको बोल सकते हो। वैसे तो कोई भी मतलब आपको फॉलो का बटन मिल जाता है तो डायरेक्टली फॉलो कर लेगा, फिर भी कोई मतलब फॉलो नहीं करता है आपको फ्रेंड बनाने की कोशिश करता है, तो वो वहाँ से आप लोग उसके फ्रेंड से नहीं बन सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ।